हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में एक ऐसा एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग रहेगा। सहज के लिए एक और फ्रेम बनाना है एक्चुअली, तो आपको भी एक ऐसा फ्रेम मिल सकता है। आपने क्या करना है, हमारे वीडियो पे कमेंट करना है। टॉप 10 कमेंट्स में से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको हम ये फ्रेम दे देंगे। आपको सिर्फ एक फोटो भेजना है और अपना एड्रेस भेजना है, तो आपको ये फ्रेम मिल जाएगा। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फ्रेम हमने कैसे बनाया है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टॉप 10 कमेंट्स में से आप भी हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्केटिंग क्लास कैंसिल हो गया, तो हमने प्लान किया इसके शू धोएंगे। तो उसके पापा के शू भी धोने हैं, बहुत गंदे हो चुके हैं। चलिए, इनका शू कौन धोएगा? और डैडी का? मैं दूंगी डैडी। दोनों धो दोगे? हाउ स्वीट यार, सारा काम खत्म कर दो यार। नहीं, मैं बोल रही हूँ मैं पापा के शू धो लेती हूँ, आप भी मेरे शू धो लो। दैट्स आल्सो सो स्वीट ऑफ यू। डैडी के वैसे ही बहुत बड़े बड़े शू, बहुत एनर्जी लगते हैं। ये शू पहले ही सोक कर दिए गए हैं डैनिश प्लस सर्फ एक्सल। कहाँ जा रही है? वॉश नहीं करने? या अपनी चप्पलें भी वॉश करना, बहुत गंदी हो गई हैं। घर की सबसे गंदी चप्पलें आपको बिलोंग करती हैं। मुझे वो चलाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं बचपन से। ये है हमारे स्पेशल बनाना, तो चलो बनाना इसको मैं पील करके। मुझे लग रहा है एक बनाना है सफिशिएंट। आई मैंने खोला तो था एक, चल मैं खा लूंगी। तो एक बनाना है सफिशिएंट। क्या करूंगी मैं, इसको छोटे छोटे वाले ना जितने छोटे पीसेस हो सकते हैं कर लूंगी। कुछ लोगों को लगेगा कि ये फालतू मेथड है, बट जिनको मिक्सर जूसर ग्राइंडर यूज करना पसंद नहीं है, या वो सोचते हैं कि जहमत है, फिर उसका सारा वॉश करो, सारा उसके जितने पॉट वॉट वॉश करो सब, है ना, एक सिस्टम है यार वो, तो वो सिस्टम अवॉइड करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड मेथड। वैसे ये केला थोड़ा कम मीठा रहता है। मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चीनी, इसमें चम्मच है नहीं तो ऐसे ही जाने देती हूँ, आई एम सॉरी। अब इसमें हम डालेंगे चिल्ड मिल्क। ये थोड़ा सा पहले सी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई। अब मुझे लग रहा है इसमें मेरा वो क्रॉकर काम कर जाएगा क्या। और ये देखो मस्त घूमता है इसके अंदर एक। क्या गलत है यार, इसका अपना ही प्रॉब्लम चल रहा है, वॉच इसकी सेट नहीं हो रही। द टाइम इज दैट वी पुट इन सम मोर मिल्क। चिली नाउ टेस्ट इट एंड टेल मी। ऐसे टेस्ट करो। इट्स इट अ बबल। सिलीन यार पी यार, चुपचाप पी, अच्छे से ट्राई ड्रिंक। अच्छा बना है, बिल्कुल बढ़िया बना है। सिलीन के हिसाब से हमारे घर में ना कहीं हिसिंग साउंड आ रही है बड़ी देर से, तो अब हम हंट करने जा रहे हैं कि वो क्या आवाज है और कहाँ से आ रही है। इसकी कैसी? अच्छा आवाज ऐसी थी और मूवमेंट भी ऐसी थी। हाँ बेड के नीचे छुपा है। क्या है बेड के नीचे छुपा है? चाय। क्या छुपा है बेड के नीचे? वॉइस। मिला? हाँ। क्या था? ब्लू था, ब्लू स्नेक था। स्नेक था, ज्यादा मत डराओ मुझे, स्नेक नहीं है यहाँ पे वैसे भी, झूठ तो बिल्कुल मत बोलो। हमने सिलीन के कजन सहज के लिए पार्सल भेजना है, तो एक्चुअली मैंने दीदी के लिए यूएस से मंगवाया था कुछ, तो मैंने अभी तक भेजा नहीं है। तो कल उनका मुझे मैसेज आया कि क्या मतलब नेक्स्ट डे भेजने वाली हो, वो 2 साल में तो एक्सपायर भी हो जाना है कॉस्मेटिक आइटम है। मुझे लग रहा है कि अब इट्स हाई टाइम मुझे भेज देना चाहिए। तो हमने सोचा कि उनका बेटा अभी छोटा है, सिलीन का छोटा सा भाई है, तो शी जॉइंस मी एवरी टाइम, तो उसके लिए बस एक कार्ड बनाएगी और मैं भी सोच रही हूँ कि फोटो फ्रेम बनाऊँ, तो फिर उनको भेजते कल पार्सल करते। आई होप ये वीडियो अपलोड, मुझे लगता है मुझे पहले अपलोड हो जाएगा, ये तो पहुँचेगा नहीं घर पे। एक हमने बना के तो रखा है, बट हम सोच रहे हैं उनको एक नया बना के दे। ये हमारे पास सहज का एक फोटो है जो हम यूज करने वाले हैं, और आईकिया से ना ये बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं फ्रेम्स, तो बहुत बढ़िया है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, चीप एंड बेस्ट। यस।
तो ये भी मैंने आइडिया से लिया था, लाइट वेट है, इसमें ग्लास भी नहीं है तो टूटने उठने का टेंशन भी नहीं, अगर भेजेंगे तो टूटेगा नहीं, ये सम काइंड ऑफ फिल्म है, ट्रांसपेरेंट। बच्चों वाले घर में ना ऐसा सामान बढ़िया रहता है, अगर गिर भी गया या बच्चे ने बॉल से गिरा दिया या कुछ बॉल फेंक दी गिर गया तो इसमें फॉर श्योर इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो टूटने वाला है। तो बनाते हैं मच। इसमें क्या करना है, इसके ऐसे बस पुश किया ना मैंने यहाँ से, तो इसका एक पार्ट ये है और ये जो इसका बैक रहता है और ये है जो इसके ग्लास का काम करता है। पील ऑफ करके ट्राई करना है और ये पील हो जाएगा, ठीक है। ये फिल्म रिमूव कर देनी है बोथ साइड से, तो ये इसका इसके टू फ्रंट एंड बैक पार्ट का बैक पोर्शन जिस पे हमने फाइनली फोटो को स्टिक करना है। मैं इसको ग्लू करके ना कहीं फिक्स कर लेती हूँ। मैंने ये पूरी शीट बाय करी है, एलिमेंट शीट, और इसमें से ये मैंने कुछ तो कटआउट्स पड़े हैं मेरे पास, तो आई विल प्लेस इट लाइक दिस। ओहो पहले बड़ा अच्छा एडजस्ट हुआ था। लुक द आर्टिस्ट आई एम। जी का बेड, बूजी का बेड एंड दैट जूनियर टाइम बेड पे ये हीना लॉफिंग कर रहा। लॉफिंग कर रहा है? हां जी हीना हंसता है, क्यूटली हंसता है वो। हां तो वो लॉफ कर रहा है। ओके इसलिए हंस रहा है क्योंकि मुझे देख है, इसको देख के हंस रहा है। अभी तो लिखना भी है ना, तो अभी और कुछ चिपकाने का कहीं पे कोई यहाँ पे बचा नहीं है सीन, और फ्लावर्स फ्लावर्स का यहाँ पे एक मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज और यहाँ पे एक मैसेज। आई थिंक नॉट अ बैड आइडिया। कार्ड इज रेडी। या बट आई नीड जस्ट द लास्ट टच। लास्ट टच? या जस्ट द लास्ट। ओके कैरी ऑन। Please love it, Sad. I made it up. Lots of care, lots of love. Oh, yaar, ye hamesha mere saath hi kyun hota hai? अभी तक कुछ ऐसा बना है तो उसको फ्रेम में कवर करके देखते हैं लगता कैसा है। सो फाइनली इट लुक्स लाइक दिस, और सिली ने भी कार्ड बना लिए, फ्लावर्स रेडी हैं, और सहज आई मिस यू, केयर अबाउट यू एंड लव यू। अब बताइए कौन सा वाला आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट करके हमको बताओ। तो अभी हम लेट हो गए क्राफ्ट वर्क के चक्कर में। सिली सिली जल्दी जल्दी हरी आप बेटा। ये मुझे कब से बोल रही है कि मम्मा लेट हो गए, आप वॉच नहीं देख रहे हो। ये वाइंड अप तो भाई आके ही होगा, अब आके सारा वाइंड अप करती हूँ। इधर से बेटा, सर के पास से। जब तक परम आता है मैंने सोचा वाटरमेलन खा लेते हैं क्योंकि 8 बज गए हैं, उनको आते आते टाइम लग जाएगा, भूख तो लगी ही हुई है। तो तब तक मैं आपको साथ में बता दूँ वाटरमेलन के फ़ायदे क्या है। वाटरमेलन में 95% तो पानी रहता है, 0.4% फैट एंड ओनली 0.5% अराउंड प्रोटीन एंड 6% अराउंड तो उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा इसका जो रेड कलर है ना, वो रेड कलर लाइकोपीन की वजह से है। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और आजकल तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत फैशन में है ना, सभी एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं किसी ना किसी बहाने, तो बॉडी के फ्री रेडिकल्स जो हैं वो रिमूव करता है, इन शॉर्ट एजिंग कम करता है सेल्स की, प्रिवेंशन करता है ऑफ एजिंग। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भाई बहुत फ़ायदे की चीज़ है, कैंसर वैंसर प्रिवेंशन में भी उसका रोल है। और इसमें एक अमाइनो एसिड रहता है जिसको कि सिट्रुलिन कहते हैं, और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन में, वो थोड़ी सी हेल्प करता है उसमें, ऐसा नहीं कि यही ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है बट वो हेल्प करता है। और इसमें एक नेचुरल पिगमेंट रहता है जिसको कि बोलते हैं बीटा क्रिप्टोक्सैंथिन, वो क्या करता है वो उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं और उससे थोड़ा रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है उसके चांसेस कम रहते हैं, मतलब वो प्रिवेंट करता है आर्थराइटिस को, वो जॉइंट्स की जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है, ऐसा नहीं कि वो कोई क्योर करेगा लेकिन प्रिवेंट करेगा, होने से रोकेगा, ठीक है। तो ये खास फ़ायदे हैं जो आपको वाटरमेलन से मिल सकते हैं। और एक खास बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप एक मीडियम स्लाइस लेते हैं ना वाटरमेलन का, तो वो आपका 9-11% ऑफ द विटामिन ए रिक्वायरमेंट ऑफ द डे
जो आपको एक दिन में विटामिन ए रिक्वायरमेंट होती है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना आपको खाना ही है, तो 9 से 10% 11% ए से ही मिल जाता है। आई साइट के लिए भी, आईज के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनली इट केम आउट लाइक दिस, मैंने इसमें थोड़े से और अमेंडमेंट्स कर दिए, ये करते करते वी हैव पास टाइम लिमिट, और इसी के साथ अब टाइम हो चुका है कि अब सिली बेड पे जाए, पढ़े ले आइए स्टोरी बुक्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, बाय बाय। कितनी डिफिकल्ट हो रही है। क्या डिफिकल्ट हो रही है? जब ये यहाँ पे साफ करता है ना, इसकी रोन नहीं पड़ती है।